साथियों आप जुड़े हुए हो हमारे इस ब्लॉग में, और आज हम होली के दिन आपको दिखाने निकले हैं धार्मिक स्थलों पर कैसे भगवान के द्वार में होली मनाई जाती है। आप पीछे देख रहे हो कि प्रतिमा कितनी बड़ी, जो विशाल है, शनिदेव महाराज जी की। और योगेश भाई भी मेरे साथ मौजूद है, और हमारे भोली भाई भी जो अभी हमारे साथ हैं वीडियो में लगे हुए हैं, वो भी आपको ब्लॉग में नजर आएंगे। तो काफ़ी जो है जानकारी बार अब जो हमारा ब्लॉग रहेगा, ऐसा नहीं कि ब्लॉग ऐसे भी चल रहे हैं कि आपको कुछ जानकारी नहीं मिलती, आपका टाइम बर्बाद होता है। और शनिदेव महाराज जी की हम प्रतिमा के पास लेकर चलते हैं आपको। मैं कहूँगा शनिदेव महाराज पर होली कैसे मनाई जाती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा हमारे इस ब्लॉग में। और मैं कहूँगा कि प्रतिमा के दर्शन कराए सभी को, जिससे कि लोगों में अपनी जो है होली मनाने की जो सोच है वो बदले, और ये त्यौहार होली हो या दिवाली मनाई जाए। भाइयों अभी हमने बताया था कि मंदिर पर पहुंचकर आपको जानकारी देंगे और भी, और आज आप देख रहे हो कितनी शांति है, काफ़ी लोग इधर आपको दिखाई नहीं देंगे। और शनिदेव के इस ब्लॉग में हम आपको अंदर से मंदिर के दर्शन कराते हैं। और मैं कहूँगा कि मेरे साथ तो ये जो योगेश है ये मेरे साथ रहते हैं ब्लॉग के शूट करने के लिए, हम कहीं भी जाते तो ये मौजूदगी इनकी बनी रहती है। और भी जो साथी है वो हमारे साथ है, और मैं भोली से भी मिलाना चाहूँगा, भोली भाई हमारे एरे। और आप पीछे देख रहे हो मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अब जो है आपको पता है कि इंग्लिश में बोल सकते पलवल के वासी और हिंदी में भी, लेकिन मैं बोलूँगा देहाती में है। मैं बता दूँ आपको, कल हम आए थे शनिदेव में, शनिवार के दिन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए हम तसल्ली से होली के त्यौहार पर भगवान शनिदेव के द्वारा दोबारा से आए। और आपको बता दें कि जो पलवल वासी हैं वो शनिदेव से तो प्यार करते ही हैं। आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी जो है शनिदेव की जो है इस तीर्थ स्थल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। अब ये गांव की बात भाषा में कह दें कि पलवल कोई कह दे और शनिदेव की जयकारो ही लगा दे जयकारो, जय शनिदेव जय शनिदेव। हाँ, और हैप्पी होली, और कह दे दर्शकन ते फिर दोबारा थे इन्हें होली की शुभकामनाएं देते रहो, जो इन्हें भी नहीं लगे कि हाँ पीछे आप देख रहे हो। और अब देखियो, आप देखो भंडारा इधर चल रहा है, सभी भंडारे चलते रहते हैं, और आज यहाँ सभी लोगों ने बैठाने का जो है भंडारा किया जा रहा है। और भी आप मैं बता दूं, आप पीछे देखेंगे कि देखो कैसे ये बाबा हैं जो पीछे आ रहे, कतई होली को इनने बढ़िया त्योहार मनाया हो अभी तक, कैसे तो हर बढ़िया चल रहा बाबा, कतई वीडियो के माध्यम से बढ़िया चल रहा हो, क्या कहना चाहोगे शनिदेव महाराज के मंदिर पे थे? शनिदेव महाराज की तरफ से बहुत अच्छी कृपा है, और बहुत यहाँ होली का त्यौहार बड़े उत्सव से मनाया जा रहा है। यहाँ पे गाँव तो पूरे रंग में रंगे हुए, पूरे रंग में रंगे हुए हैं, गाँवों से भी सरदारी आती है, गाँवों से भी यहाँ होली खेलते हैं। आज कम भीड़ है, होली का आनंद लेते नहीं, अभी भीड़ निकल के गई, अभी दूसरी जगह हो रही है। और भी हम आप दिखाएंगे, देहाती में बोलूँ मैं या अपनी भाषा में बोलूँ, कैसे बोलूँ आप ही बता दे है। और देखियो अब हम अंदर आ चुके हैं शनिदेव मंदिर में, शनिदेव मंदिर में अब भीतर हम घुसने थे। और देख ले भैया, देखो यो होली के जो रंग है, ये मंडली दिखा मैं आप कहते भैया, बढ़िया जो प्रोग्राम सूटा सूट सुट्टा चल रहे, और बढ़िया प्रोग्राम है, सभी होली खेल चुके हैं, और हम तो बिना होली खेले ही रह रहे हैं अभी तो। बाबा हरते भी इनते कृपा करेंगे कि हमें भी होली खिलाए, और शनिदेव के जो दर्शन है जो सभी भैया ज्ञान भी ले रहे हैं और होरी भी बना रहे हैं। हाँ देखिए मेरे साथी भी हैं, ये योगेश और भूषी, कहते शनिदेव महाराज तो कह रहे कहते हमारी जब शुभकामनाएं पूरी रह जाएंगी जब ही जाएंगे, नहीं हमें होते चली ना रहे, आज होली हो ही मनाएंगे। बोलो बना, आप क्या कहना चाहोगे शनिदेव महाराज के दिन क्या जी? तो अभी होते दिखा दिया, आप दर्शन करवा दिए देहाती भाषा में, और आप देख रहे हो शनिदेव महाराज जी कतई कभी वाद हुआ, और जय शनिदेव, जय शनिदेव कहना चाहेंगे। और पूरी
हाँ भोली काका इनके आए बता बताते खुद ना हंसी यार ये तो कद कह कहते जय शनिदेव जय भोली ने जयकारो लगा दिया तो मैंने नहीं है शनिदेव महाराज को अब बजरंग बली रे भैया दे बजरंग बली तो मैं पता हर जगह रह मैं चाहे शनिदेव हो चाहे कही हो बजरंग बली जी की तो कृपा जरूर रहनी चाहिए बजरंग बली जी के दर्शन कर लेता हूँ ठीक है और कते प्यार से बढ़िया दर्शन आप कर रहे हो और सब कते शांति प्रिय दर्शन है और शिव शंकर भगवान कैसे अलग है सके भैया तो इनके भी आप दर्शन करवा दे आज होली के त्यौहार पर घर बैठे तो हमारे ब्लॉक के माध्यम से दर्शन है शनिदेव महाराज में जितने भी मंदिर है सबके दर्शन करे और एक परिक्रमा हम भी लगाते हो परिक्रमा लगानी जरूरी है भैया जब आ जाए कहीं भी मंदिर वंदिर में तो परिक्रमा को मान्यता है हमारे यहाँ और एक परिक्रमा हमारी है ये इसी जगह में फिर आ गए आप नंदगांव बरसानो भी तो दिखानो और ये देखो अब हम मंदिर से बाल्य कर रहे हैं और ब्लॉग तमें कतई अपनी देहाती भाषा में परवलिया भाषा में दिखा दियो और या तम शेयर जरूर करियो है और दे भंडार दिखा देते हमारे हिंदू धर्म में एक चीज़ यू है कि जो धार्मिक चीज़ है उन्हें हम दिखाते रहें और अपना जो है अपने हिंदू धर्म में बढ़ाने को काम करें हाँ और आप देख रहे हो यहाँ भंडार चलो हो अब ये पीछे तो मैं मंदिर का व्यू दिखा दूँ आप यू व्यू है देखो भंडारे का प्रोग्राम सही चल रहा है अब सब देखे मौत छुपा रहे हम पे थे देखो भैया अभी हम काफी व्यस्त है आप हमने पूरा ब्लॉग दिखा दियो है अब देख अब लग रही है भूख ठीक है अब भंडारो चल रहा हो मंदिर पे कतई अब मंदिर पे जो भंडारो अब हम ऐसे तो है ना जनाबर की 80-80 जो पूरी खा जा में लेकिन हम प्रसाद जरूर लेंगे इन्होंने हम तो रिक्वेस्ट भी करिए कि आप प्रसाद जरूर ले और सभी ये प्रसाद दे रहे हो और हम भी ये प्रसाद खाने वा रहे हैं तो आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग को।